खुद को यूं खोकर जिंदगी को मायूस न कर, खुद को यूं खोकर जिंदगी को मायूस न कर, मंजिलें चारों तरफ है, मंजिलें चारों तरफ है, रास्तों की तलाश कर। नमस्कार, मैं हूं किरण आचार्य, ऑनरेबल मेंबर विजन ग्रुप, आप सभी का यहां पे स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि अब तक के वीडियोस में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से रेगुलर एजुकेशन है जो धीरे धीरे बदल रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाने वाला है, उसी के दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया है। UGC की तरफ से ये संकेत आए हैं कि कॉमर्स की शाखा में बदलाव किए जाने वाले हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक पेपर की एक न्यूज़ का कटिंग दिखाई देगा जिसमें ये बताया गया है, अगेन ये सोर्स महाराष्ट्र टाइम्स है, इसी पेपर में ये न्यूज़ कवर हुई थी, जिसमें सीधे सीधे ये संकेत दिए गए हैं कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो हैं उनके कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, अकाउंटिंग है, फाइनेंस है, व्यवस्थापन यानी मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, मैन पावर है, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, उसी के अलावा टैक्सेशन, बिजनेस लॉ तथा उद्यमशीलता। ये जो कुछ सब्जेक्ट्स जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ने होते हैं या वो अब तक पढ़ रहे हैं, ये थियोरेटिकल कंटेंट उन्हें पढ़ाया जा रहा है। मतलब जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसमें सीधे तौर पे आपको थियोरेटिकल कंटेंट के ऊपर ही कंसंट्रेशन अब तक करना पड़ रहा था या वो ज़रूरी था, लेकिन अब UGC ने इन सब्जेक्ट्स को लेके कॉमर्स की उस स्ट्रीम में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। उन्होंने सीधा सीधा इस बात का जिक्र किया है कि ये जो सब्जेक्ट्स है जो मैंने अभी आपको बताए थे, इनमें अब थ्योरी कंटेंट जो है वो केवल और केवल 50% यानी 50% रहेगा और प्रैक्टिकल करना इन बच्चों के लिए ज़रूरी होगा। इन्हीं सब्जेक्ट्स को लेके 50% प्रैक्टिकल को वेटेज दिया जाने वाला है, ताकि ये जो स्टूडेंट्स हैं जब ये पढ़ाई करके, जब ये एक्चुअल एक्सपीरियंस लेके, एक्चुअल प्रैक्टिकल्स करके जब ये स्टूडेंट्स जब बाहर आएंगे तो ये नौकरी या उद्योग में अधिक सफल होंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड इन सब्जेक्ट्स को जब इन स्टूडेंट्स को सिखाया जाएगा, जब इन्हें काम करने का मौका दिया जाएगा सीखते हुए, तो ये डेफिनेटली यकीनन आगे आने वाले इनके करियर में, नौकरी के ऊपर या अगर ये खुद का व्यवसाय करते हैं तो उस पर इसका अच्छा खासा असर आपको देखने को मिलेगा। आर्ट्स और कॉमर्स, ये दो ऐसी शाखाएं हैं जिनमें से अभी जैसे मैंने आपको सब्जेक्ट जो बताए थे, ऐसे कुछ विषय आर्ट्स और कॉमर्स दोनों में कॉमन है जिनके ऊपर संशोधन करना यानी रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये रिसर्च या संशोधन अगर ये बच्चे खुद काम करते हुए अगर करें तो वो ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं, यही मानना है और यही चीज़ें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया है, जिसकी शुरुआत UGC की तरफ से की जा रही है। इसके अलावा सपोर्टिव स्टडीज़ के बारे में भी इसी न्यूज़ में बताया गया है। जी हाँ, सपोर्टिव स्टडीज़ का मतलब ये होता है कि हर शाखा और हर विषय के लिए लर्निंग आउटकम करिकुलम फ्रेमवर्क, लर्निंग आउटकम करिकुलर फ्रेमवर्क, इसका मतलब ये होता है कि जो भी पढ़ाई हम कर रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, मतलब वो कहाँ पे किस तरह से काम करता है हमारे नौकरी में या हमारे उद्योग में, हमारे व्यवसाय में, उससे जुड़ी हुई बातें, यानी कि जो भी कंटेंट हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन किस तरह से किया जाता है, उसका उपयोग कैसे किया जाता है। अब तक की हमारी पढ़ाई जो है, जिसे हम ट्रेडिशनल एजुकेशन के नाम से जानते हैं, इसमें थियोरेटिकल जो कंटेंट है उसी के ऊपर ध्यान दिया गया है। इनफैक्ट इस वक्त जो हमारे बाज़ार की ज़रूरतें हैं या जहाँ पे हम काम करते हैं, जो उद्योग है उसकी जो ज़रूरतें हैं, वो मैच नहीं हो रही थी और शायद इसीलिए बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आके खड़ी हो गई थी। आप सोचिए, आज की तारीख में इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी जो फील्ड है, उस फील्ड में भी शायद यही एक जो बात है, यही एक जो पॉइंट है, ये मिसिंग था। जी हाँ, वहाँ पे भी बहुत सारा थ्योरी कंटेंट जो है बस उसी के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है और इसीलिए इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भी एक और नई डिग्री जो है उसकी शुरुआत कर दी गई है, जिसका नाम है BVOC, बैचलर्स ऑफ वोकेशनल। ये भी इसी तरह से लर्निंग आउटकम करिकुलम फ्रेमवर्क है, जहाँ पे उस उद्योग से जुड़े हुए जो भी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, या हम चीज़ें नहीं कहेंगे इन्हें, जो सब्जेक्ट्स है, जो टॉपिक्स है,
उनको इस फ्रेमवर्क में लाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज बताऊंगा जो इस वक्त आने वाले कुछ सालों में, अमूमन 5 या 10 सालों में, जो भारत में बहुत ज़्यादा बूम होने वाली इंडस्ट्रीज़ है, जिनके लिए वीवो का एक अच्छा खासा प्रोग्राम तैयार है, उनकी मैं आपको लिस्ट दे देता हूँ। जी हाँ, यहाँ पे इसमें एक ऑटोमोटिव है। ऑटोमोटिव एक ऐसा फील्ड है जो आने वाले दिनों में बहुत बूम होने वाला है, जिसमें बहुत सारी रिक्रूटमेंट और बहुत सारी ऐसी व्हाट वी कैन से अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होने वाली है, जहाँ पे आप अपना करियर बना सकते हैं। उसी के साथ साथ है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। जी हाँ, ये भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप अपना करियर बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। उसके बाद में है आता है फूड प्रोसेसिंग, उसके साथ है एग्रीकल्चरल और हेल्थ केयर। जी हाँ, ये ऐसे सीधे सीधे इंडस्ट्रीज़ है जिसमें आप आपका करियर बना सकते हैं। और UGC के जो नई गाइडलाइंस है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो चल रही है, उसमें जो लर्निंग आउटकम करिकुलम फ्रेमवर्क है, उसके ज़रिए बीवोक डिग्री का निर्माण, जो ऐसे ही अन्य भी उसमें फील्ड्स है, लेकिन ये जो फील्ड्स खास करके जो मैंने अभी आपको बताए थे, इसमें ये ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है। इसी से जुड़ी जानकारी हम आगे आपको वीडियोज़ में देते रहेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आने वाले वीडियोज़ में जो इस नई डिग्री या नए फ्रेमवर्क के बारे में जो हम बताएंगे, उन एपिसोड्स को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों, अब आते हैं हम अपने वीडियो के सेकंड सेगमेंट यानी स्टोरीज पे। जो स्टोरीज मैं यहाँ पे आपको सुनाता हूँ, उनमें से कुछ रियलिस्टिक होती है और कुछ फैंटेसीज होती है, लेकिन उसका जो मेन इंटेंशन है, जो मूल उद्देश्य हमारा है, वो सिर्फ ये है कि कोई अच्छी सोच, कुछ अच्छी बातें ये आप तक पहुँचाए, ताकि हम मजबूर हो जाए सोचने के लिए कि हमारे लिए क्या सही और क्या गलत हो सकता है। भावना बहुत ज़रूरी है, जो सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी होती है। आज की जो कहानी है वही सकारात्मकता और नकारात्मकता पे निर्भर है। एक चिड़िया जो अंडे देने वाली है, वो घोंसला बनाने के लिए, उसका घर बनाने के लिए पेड़ तलाश कर रही है। एक नदी है जिसके किनारे पे दो पेड़ हैं, उसमें से पहले पेड़ के पास जाके चिड़िया ने परमिशन लेनी चाहिए, एक अनुमति उसने मांगी कि क्या मैं अपना घोंसला आपके डालियों पे, ब्रांचेस पे बना सकती हूँ। उस पेड़ ने तुरंत उसे इनकार कर दिया, नकार दिया कि नहीं, आप यहाँ पे किसी भी तरह का घोंसला नहीं बना सकती। चिड़िया मायूस हो गई, आगे गई, जो दूसरा पेड़ था, दो पेड़ थे वहाँ पे, दूसरे पेड़ के पास हो गई और उससे भी अनुमति मांगी उसने कि क्या मैं अपना घोंसला आपकी डालियों पे बना सकती हूँ। पेड़ ने उसे कहा कि ज़रूर, क्यों नहीं, मुझे खुशी होगी, अच्छी सी डाली देख लो और अपना घोंसला उसमें बनाओ। चिड़िया ने मेहनत करके वहाँ पे घोंसला बनाया, अपने अंडे उसमें दिए, कुछ दिनों में ही उन अंडों में से छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे बाहर निकल आए, सब कुछ हंसी खुशी अच्छे से चल रहा था कि यकायक एक दिन तूफान, बारिश और बाढ़, ये सारी चीज़ें इकट्ठा आई। तूफान भी निकल आया था, जोरों से हवाएं चल रही थी, बारिश हो रही थी और नदी किनारे वो पेड़ थे, उस नदी को बाढ़ भी आ गई थी, पानी का जो दबाव था वो बढ़ता जा रहा था। और ऐसे में अचानक उस चिड़िया के साथ और एक घोंसला भी था, जहाँ की एक और चिड़िया थी, उसकी सहेली, तो वो भी आई और उसने इस चिड़िया को बताया कि देखो, उस भाव में जिस पेड़ ने आपको नकारा था कि मेरी डालियों पर आप अपना घोंसला मत बनाइए, वो जड़ समेत उखड़ के उस पानी के बहाव में बहता हुआ जा रहा है। अब ये दोनों चिड़िया जो है वो देख रही है, वो पेड़ वहाँ से बहता हुआ आ रहा है जो जड़ समेत उखड़ गया था। अब इनकी जो बातें चल रही है वो बातें इस प्रकार की थी कि देखो, ये जो अहंकारी जो पेड़ था, उसका अहंकार किस तरह से भगवान ने, या ये जो भी नेचुरल डिजास्टर जो है, ये जो एक एक्सीडेंटल एक जो सिचुएशन आई है, उसमें कैसे इसका गुरूर, कैसे इसका अहंकार टूट के बह रहा है उसी के रूप में। ऐसी बातें ये कर रही थी जो उस पेड़ ने सुन ली और उस भाव में तो बहता जा रहा है, लेकिन फिर भी बड़े प्रयास से उसने सिर्फ एक बात जाते जाते उस चिड़िया को बताई, वो ये थी कि आप जो सोच रही है वैसा नहीं है, मेरी जड़ें मजबूत नहीं थी, आप घोंसला बनाने वाली थी जिसमें आप आपके बच्चों की सुरक्षा की बात सोच रही थी, जो सुरक्षा मेरी इन डालियों पर आपको कभी मिलती ही नहीं। आज सोचिए, अगर आपका घोंसला मेरी इन डालियों पर होता तो क्या होता, सोचिए। सकारात्मकता और नकारात्मकता, बहुत बार
हम कुछ चीज़ें सोचकर जब किसी के पास जाते हैं और उसकी जो रिएक्शंस आती हैं, शायद उस समय के लिए हमें ये लगे कि ये नकारात्मक है, लेकिन कभी कभी सिक्के के जिस तरह से दो पहलू होते हैं, वैसे ही जो घटनाएं घटती है या जो रिएक्शंस आती है उसके भी दो पहलू या दो एंगल्स हो सकते हैं। अब ये हमें तय करना है कि उस वक्त जो भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो हमारे सामने आती है, जो भी इमीडिएट रिएक्शंस हम देने की कोशिश करते हैं, क्या हम थोड़ी देर रुक के आने वाले हालातों को देख के इन चीज़ों को समझ सकते हैं। बस इसी नोट पे हम आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आने वाले वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, और इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हमारे इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जो है उसे प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको बराबर मिलती रहे। उसी के साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसकी लिंक अपने जानने वाले पहचानने वालों पर शेयर कीजिए, कमेंट में हमें ज़रूर बताइए क्या आप और कुछ इसमें देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं। और बस इसी तरह से हमेशा की तरह जानकारी लेते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ विजन ग्रुप, एवरीथिंग अबाउट एजुकेशन। थैंक यू।